अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी कासिम फटक, रिवाज इंटरप्राइज एंड प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। और आज हमारे पास 120 गज का एक वन यूनिट बेंगलो मौजूद है नया नाजाफा सोसाइटी में। सोचा कि आज इसका रिव्यू बनाए और आप लोगों तक पहुँचाई जाए ये वीडियो। तो इसका बनाने का मकसद ये है कि ये बेंगलो हमारे पास रेंट पे मौजूद है और ब्रैंड न्यू बेंगलो मौजूद है। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास देखा जाए तो इतना प्यारा कार पोच एरिया है माशाल्लाह से, और वाइट ज़ियारत मार्बल लगा हुआ है। और इंटर होते ही सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मेन इंटर। इंटर के साथ ही हमारे पास सामने आ जाता है रेड किचन, और इसके मेरे राइट साइड पे बेडरूम वन आता है। और बेडरूम वन माशाल्लाह से देखा जाए तो बहुत खूबसूरत और कुशादा बनाया गया है। इसी के साथ हमारे इसके बराबर में लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम है। हाँ, इसको ये हमारा बेडरूम टू है, इसके साथ अटैच बाथ। ये लॉन्च एरिया, लॉन्च एरिया के साथ अगर देखते हैं तो पीछे वॉशिंग एरिया प्लस बेडरूम के साथ देखते हैं। ये हमारे किचन का इंटीरियर बहुत ही अच्छा कुशादा है, और ये कैबिनेट के साथ देखा जाए तो प्लानिंग के साथ काम किया। ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से जैसे जैसे राइट साइड पर देखते हैं तो बैक स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पर चलते ही सेम डिजाइन सेम पैटर्न। इंटर होते सबसे पहले सामने वहां पर एक बेडरूम बन आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। और इसकी बैक साइड पर वॉशरूम, साथ ही सेकंड बेडरूम का। बेडरूम के साथ एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि हर बेडरूम के साथ ऊपर कवर दी गई है, जिसे छोटी सी स्टोर रूम का माया दिया गया है। आपको दिखाते हैं, और एक दोनों बेडरूम में कंफर्ट ब्रेक फ्लैश और मल्टीपल यूज किए गए। इसके साथ अब हम चलते हैं टेरेस की तरफ, जिसे हम कहते हैं एयरली टेरेस। और इसी के साथ ऊपर रूफ पे चलते हैं तो रूफ पे हमारे पास एक और स्टोर रूम के साथ साथ यहाँ भी मार्बल बीच लगाया गया है, यानी कि आपका जो रूफ है वो भी ठंडा रहेगा। प्लस वॉशिंग एरिया इतना प्यारा लग्जरी टाइप का साइड रूम पे रखा गया है। टैंक बहुत प्यारा रखा गया है, अंडरग्राउंड एक टैंक मौजूद है, एक टैंक रूफ पे मौजूद है। तो बस रेंट में मौजूद है, और इस पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह इसका आपको जो भी फीडबैक होगा, मजीद जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।